मिला है प्यार सतगुरु का, मिला है प्यार सतगुरु का, जिसे हमने संभाला है। गुरु के प्रेम का पौधा बड़े नाजों से पाला है। गुरु की मोहिनी मूरत को मन मंदिर में ढाला है। गुरु के शुभ नाम की फेरू घट में माला है। मेरे सतगुरु का रुतबा संतों में निराला है। और लगता है मुझको जैसे आ गया बंसी वाला है, आ गया बंसी। पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, प्रेम, अहिंसा और करुणा की त्रिवेणी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार करणधार परमाध्यक्ष श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सतगुरुदेव महाराज जी, जो ये संगत बहुत दूर दूर से आई है, आप इन सारी संगत को अपना आशीर्वाद देने की कृपा कर। जिन्नी आवाज खोल सकता है माड़ा जा खोल दे पाई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलो सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। श्री गुरु चरण कमले भयो नमः। गुरुदेव के चरणारविंद में भाव में वंदना करते हुए उपस्थित प्रभु प्रेमी मेरी प्रियात्माओं, आप सब भव्यात्माओं की भव्यता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। 28वां रूहानी संत सम्मेलन, जिसकी विराम की बेला में हम सब लोग उपस्थित हैं, बड़ी भगवान की अनुकंपा रही, मेरे गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा रही। 3 दिन ये रूहानी सत्संग निर्विघ्नता के साथ संपन्नता की ओर बढ़ा। सर्वप्रथम पहाड़ों के इस मौसम को देखते हुए यहाँ के सारे माहौल को देखते हुए, तो ये बहुत ही कृपा की बात है कि कार्यक्रम निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। 3 दिन की आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा, संत महापुरुषों के इस पावन और पवित्र काफिले के साथ चल रही थी और ये यात्रा जो रही, आप लोगों के चेहरे, आप लोगों का उत्साह बता तो रहा है कि आप सब प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। और जो भी महापुरुषों ने आशीर्वचन यहां पर कहे, कहीं ना कहीं आपके हृदय को वो छुए भी हैं। 3 दिन की ये आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, मैं आपसे ये छोटा सा सवाल पूछना चाह रही हूं। अगर आपको यहां आकर के कुछ मिला है तो कृपया मुझे कुछ थोड़ा सा संकेत कर दीजिए कि हाँ, यहाँ आने पर बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों यहाँ आकर के क्यों नहीं कुछ मिलता? क्योंकि सत्संग जैसी, संतों के संग जैसी
कोई और पाक और पवित्र महफिल है ही नहीं। सच है जी, यहां पर तो मुरारी बापू जी कहते हैं ऑल इज वेल। यहां आने पर ऑल इज वेल किसी कवि ने बड़ा सुंदर एक छोटा सा शेर लिखा, अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसके सिर पर साया हो उसके सतगुरु का, उसको जीवन में शिकायत क्या होगी। सो आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, अभी आपको शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन संत कहें सो सहज सुभाए, संत का कहा वृथा नहीं जाए। जितने भी आशीर्वचन आपको मिले, अनेक उदाहरण शास्त्रों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया गया, यहां पर आप मत सोचना कि ये अन्यथा था, व्यर्थ था, मेरे किसी काम का नहीं था। तुमने शरीर से उसको लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा पर इसकी छाप जरूर है। और जिस समय आने पर आपके सामने एक दिन एक अच्छे फल के रूप में, अच्छे स्वरूप के रूप में जरूर आएगी। मैं किन शब्दों में मंच पर विराजमान प्रभु के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण, मेरे पास शब्द नहीं जो इन्होंने इस बटोत की धरा को और आई हुई समस्त संगत को दिया है। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कोई थैंक्स करूं, कोई धन्यवाद करूं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं हमारी ही डुग्गर धरती के संगीत सम्राट और जन जन के हृदय को नचा देने वाले उस प्रेम सरिता में बहने के लिए सबको मजबूर कर देने वाले हमारे धर्म भाई। कल मुझे कह रहा था कोई, महाराज जी आपने एक दो भाई छोड़े होंगे पर अब तो हजारों भाई आपके बन रहे हैं। श्री राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। ये प्रत्यक्ष चीजें संत समागम में देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ बुआदिता जी को। अगर 28 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है तो बुआदिता जी का आशीर्वाद निरंतर 28 वर्ष से इस धरा को और आप लोगों को मिल रहा है। मैं आगे से भी ऐसी ही भावना मन में रखती हूं कि बुआदिता जी का आशीर्वाद सदैव आपको इस मंच से मिलता रहे। और किन शब्दों में कहीं कहीं पर आकर के शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, कल्पना के पंख जहां पहुंचने से पहले ही ढीले पड़ जाते हैं, क्या शब्द वहां पर प्रयोग करें, कुछ सब छोटा लगता है। विशेष विशेष आशीर्वचन को लेकर के, आशीर्वाद को लेकर के हमारे बीच में विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद साक्षात शिव स्वरूप। और पिछली बार मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक फल पक जाता है तो उसका रस, उसकी मिठास, उसका स्वरूप कुछ और ही हो जाता है। तो साक्षात हमारे बीच में शिव स्वरूप बैठे हुए स्वामी शंकर मुनि जी महाराज, मेरा कोटि कोटि प्रणाम महाराज श्री जी के चरणों में।
इनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने कहा कि महाराज जी आप इस बार रहने दीजिए, पर ये मेरी दुष्टता थी, सच है, ये मेरी तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि की ये सोच थी। मैं कहती हूं कि मेरे जैसा भाग्यशाली शायद ही समाज में कोई हो जो इतने संतों का आशीर्वाद मुझे, मैं ना चाहते हुए भी फिर भी मुझे मिल रहा है, तो इससे बड़ा मेरे, आप लोगों का पता नहीं, पर मेरे से भाग्यशाली संसार में और कोई नहीं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ महाराज श्री जी के चरणों में। और काशी विश्वनाथ जी की नगरी बनारस से पधारे हुए, हमारे भारत में दो ऐसी नगरियां हैं, एक कश्मीर और एक बनारस। कहते हैं कि कश्मीर में अगर किसी को विद्वान बनना होता था तो वो बनारस जाते थे, और बनारस में अगर किसी को विद्वता हासिल करनी होती थी तो वो कश्मीर में आते थे। और संबंध देखो कैसा बना, महाराज श्री बनारस से और यहाँ कश्मीर में अपनी विद्वता और अपने ज्ञान का, जो यहाँ पर कितना ज्ञान है ये आप सब लोगों ने 3 दिन में सुन लिया, मुझे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं आप सब लोग, रामानुज संप्रदाय से जगत गुरु की उपाधि पर सुशोभित, और हम सब लोगों के बीच में ऐसे साधारण से बैठ करके कथा का श्रवण करवाते हैं। और मैं परमाधनी परम श्रद्धे मारुति किंकर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने पिछले 4 साल से लगातार अपनी करुणा से इस बटोत की धरा को सींचा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सबके हृदय में वो जो सींचने के बाद एक क्या कहते हैं, वो क्या आता है, विनम्रता आती है, भाव उमड़ता है, एक प्रेम उमड़ता है, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ न कुछ असर आप सब पर हो रहा है। मैं महाराज शिव जी के चरणों में भी प्रार्थना करूंगी कि जब तक ये सांसें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है, क्योंकि सांसों का भरोसा तो है नहीं, तो जब तक चल रहा है इस बटोत की धरा को अपनी करुणा से, अपने ज्ञान से ऐसे ही सींचते रहिए, ताकि मेरा ये बटोत का क्षेत्र खूब फले, खूब फूले और खूब सुख शांति के साथ यहाँ पर एक सुख शांति का साम्राज्य बना रहे, ये मेरी महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना है। और बटोत की धरा पर प्रथम बार पधारे हुए, मैं सर्वप्रथम उनका नाम लेने से पहले वृंदावन से पधारे हुए हमारे श्याम जी, जो हम पूर्व बहुत ही चिर परिचित हैं हमारे, जब भी किसी संत को बुलाना होता है तो हम श्याम जी की ड्यूटी लगाते हैं, श्याम जी कोई अच्छे से संत लेकर के आइए ना बटोत में, आप यहाँ जय जयकार करो, कुछ भी करो, मुझे उसको उसके साथ कोई मतलब नहीं। मत सोचना कि भुवनेश्वरी की जय करेंगे तो भुवनेश्वरी बहुत खुश हो जाएगी और मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं। लेकिन जब इनके आशीर्वचनों को सुन करके आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखती हूं तो मेरा सीना भी जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि कोई तो है जो आपके हृदय को छू रहा है। तो श्याम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे छोटे भैया के समान हैं और बहुत पुराने परिचित हैं। और ये धरा तो वैसे रतन गर्भा है, यहाँ पर अनेक रतन इस धरा से निकलते हैं, लेकिन कौन रतन किस जगह को जा करके सुशोभित करता है ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। सो ये बटोत की धरा बहुत भाग्यशाली है
कि ऐसे ऐसे हीरे इस धरा को आकर के सुशोभित कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे, इस करुणा को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इसको हृदय से समझने का प्रयास कीजिए, हृदय से स्वीकार कीजिएगा, जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, बड़ा आनंदमय हो जाएगा। उन्हीं हीरो में जैसे हमारे बीच में परमादनीय जगतगुरु मारुति किंकर जी हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र से पधारे हुए बासिम से हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं और पहली बार आ करके ही सबके हृदय पर, सबके हृदयों पर इन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी है। हर व्यक्ति मुझे भी पूछ रहे थे महाराज जी कि महाराज जी कहाँ से आए हैं, हम बुलाएं तो आएंगे। तो मैंने कहा हमने बुलाया ही इसलिए है कि कोई तो तुम्हें भा जाए। तो महाराज जी बड़ी बहुत करुणा रही, लेकिन ये हमारी कमी है कि तीन दिन का समय होता है और इन तीन दिनों में और भी बहुत सारे काम इस कार्यक्रम में हमें करने होते हैं। साल भर जी बटोत जैसे सोया जैसा रहता है, ये तीन दिन किसी को थोड़ा कोई सम्मान चिन्ह दे दिया, किसी का नाम ले लिया तो थोड़ी जागृति सी आ ही जाती है, क्योंकि संसारियों का ऐसा स्वभाव ही होता है, इन्हें थोड़ा सा ऐसा औपचारिकता चाहिए ही होती है। तो वो समय काफ़ी सारा उसमें निकल जाता है और बहुत थोड़ा सा समय मैं संतों के लिए जो है निकल पाता है। पर तुलसीदास जी ने बड़े सरल से शब्दों में कह दिया, एक घड़ी, आधी से भी पुण्याद और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर आधी से आधी घड़ी में भी हमारे मन ने इनके वचनों को स्वीकार कर लिया तो बहुत ज्यादा सुनने पर भी कई लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सो मैं महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इनकी विद्वता जो है अनेक अनेक ग्रंथों शास्त्रों के उत्कृष्ट ये प्रस्तोता हैं, पर यहाँ प्रस्तुत करने का समय नहीं मिल पाया। जितना भी मिल पाया, जो आपकी समझ में आया हो उस पर चलने का प्रयास करना और उसे घर लेकर के भी जरूर जाना। हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर कांड की चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी, समय नहीं है। मेरा भी मन कर रहा था मैं कुछ सुनाऊं, पर अब बुआदिता जी कह रहे थे आशीर्वाद सत्र चल रहा है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत महाराज जी आपको प्रणाम करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो, ये बटौत ये धरा नहीं अब धाम है, आप लोगों के पधारण से मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां संतों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है तो सुना है कि वो जगह प्रयागराज तीर्थ बन जाती है, और जहां पर इतने संतों का दर्शन आपको मिल रहा है, बटोत अब कोई धरा नहीं रही, बटोत अब कोई क्षेत्र नहीं रहा, बटोत तो धाम बन गया है प्रियात्माओं। तो महाराज जी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे मन की इच्छा है कि आप भी जब तक जीवन है प्रणाम महाराज जी। और हमारे बीच में स्पेशल आप लोगों के लिए हम लेकर के आए थे हमारे वैद्यराज जी, लेकिन समय की वो क्या करें कमी के कारण बस एक ही दिन आप इनको स्वास्थ्य के कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या पीना चाहिए, बहुत सारी बातें इन्होंने पहले दिन आप लोगों को बताई और बहुत सारे लोगों ने इनसे संपर्क भी किया। और ये हमारा आयुर्वेद जो है, सच में अगर हम आज के इस माहौल को, इस वातावरण को, जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उतने ही ज़्यादा हम बीमार हो रहे हैं, तो अगर हम आयुर्वेद को जीवन में अपनाएं तो मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य के स्वास्थ्य से काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। मन को संत सुधारते हैं और इस शरीर को हमारा आयुर्वेद सुधारता है।
सो दोनों का समन्वय यहाँ पर आपको मिला। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ इस धरा से और क्षमा भी चाहती हूँ कि दो दिन आपको समय नहीं मिल पाया। चलो फिर सही। और हमारे बीच में आगरा से पधारे हुए अंतर्राष्ट्रीय संत हरिजोगी जी महाराज, ये भी बहुत कथाओं में व्यस्त रहते हैं, अभी भी इंदौर से सीधा यहाँ पर आए, लेकिन समय के कारण, कमी के कारण इनको भी इतना समय नहीं दे पाए। महाराज जी आपसे क्षमा चाहेंगे। और जिस प्रकार रामायण में भरत जी को साक्षात प्रेम का रूप कहा, स्वरूप कहा गया है, मैं यहां भी मेरे पास कोई शब्द नहीं बनते और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती। पिछले कई सालों से परमाधरणीय परम शब्द सत्कार योग होशियारपुर से पधारे हुए हमारे बाबा रणजीत सिंह जी महाराज, इनकी क्या करुणा है, इनकी क्या लीला है, ये मेरे समझ में भी अभी तक नहीं आई। एक सूफी पंक्तियां कवि ने लिखी, मैंने कहीं सुनी, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं। जे तू बिकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते धार भी नहीं, एना सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एना सौखा लभदा यार भी नहीं। किसी चीज की कोई सीमा होती है और जो चीज सीमा में रहती है वो छोटी होती है, और जो सीमा से पार चली जाती है, असीम जिसको कहते हैं, उसका नाम परमात्मा होता है। बाबा जी का जो प्रेम है वो सीमा से बहुत ऊपर चला गया है, और इतना असीम प्यार बाबा जी का जो आप लोग भी देखते हैं, और मैं बाबा जी को कहती हूँ, नए नए कंसेप्ट कहाँ से लाते हो, इस बार जाना है तो क्या करना है, अगली बार जाना है पता नहीं कहाँ से। मनन जी कह रहे थे कौन सा गूगल है, कहाँ से ये सर्च करते हैं, लेकिन कहते हैं जब प्रेम हृदय में हिलोरे लेता है तो फिर वहां पर अनेक अनुभूतियां भी उभरती हैं। सो मैं बाबा जी का बटोत की धरा धाम से और इस मंच से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं बाबा जी को बहुत बहुत वंदन करती हूँ, और सदा ये प्रेम हमारा ऐसे ही बना रहे ये मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। हमारे बीच में विराजमान हमारे जम्मू कश्मीर की शान प्राणी मंडी, जम्मू की बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है पुरानी मंडी, और वहां पर रघुनाथ जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, परमादनीय परम श्रद्धे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामेश्वर दास जी, जे भी पिछले कई सालों से अपने विशेष कृपा को लेकर के हमारे बीच में इनका भी पदार्पण होता है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे जम्मू में महाराज जी का एक अलग ही रुतबा है, पर महाराज जी ये तो हमारा बड़ा छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, जो शायद जम्मू वाले करते हों, पर हमारा भाव जो है वो उसको आप समझने का प्रयास करना और इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना। और इन्हीं के साथ परमादरणीय परम श्रद्धे मेरे गुरु भाई गगवाल से पधारे हुए वरेंद्र जी, मैं इनसे थोड़ी सी छोटी हूं शायद उम्र में, पर वरेंद्र जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई भगवा पहने वही संत होता है, अगर कोई पेंट शर्ट पहनता है तो वो भी संत है, अगर कोई धोती पहनता है तो वो भी संत हो सकता है, अगर कोई धोती कुर्ता पजामा पहनता है वो भी संत हो सकता है, व्यक्ति
व्यक्ति का आचार, व्यक्ति का व्यवहार, ये सब संत जैसा होना चाहिए। सिर्फ कपड़े से संत नहीं हुआ करते। तो ये हमारे बीच में जो है ये संत रूप मेरे गुरुदेव की जिस प्रकार मेरे ऊपर कृपा हुई, ऐसे ही कृपा मेरे गुरु भाई वरिंदर जी के ऊपर हुई। आज अपने घर में इन्होंने बड़ा सुंदर गीता भवन बनाया और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर गीता पढ़ाते हैं। हर संडे को वहाँ बच्चों के लिए भोजन और गीत, पहले गीता पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो बच्चों को भोजन प्रसाद आदि दे करके घरों में। तो ये बहुत सुंदर समाज के लिए इनका ये जो कदम है ना, ये आज के समाज को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। आज हम बच्चों को प्रियात्माओं बहुत ज्यादा शिक्षित बना रहे हैं, साक्षर बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को संस्कारित नहीं बना रहे। याद रखना, शिक्षा कितनी भी ऊंची हो, साक्षर में व्यक्ति कितना भी प्रबुद्ध हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। जाएंगे महाराज जी स्वास्थ्य के कारण थोड़ा इनको पहले जाना पड़ता है। सो मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट रूप में कहने जा रही हूं, कृपया एकाग्र चित्त से सुनना। इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य जो है, मत सोचना कि संत यहां पर आते हैं भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी करते हैं, मैं किसी अपनी प्रतिष्ठा के लिए या किसी अपने नाम के लिए ये कार्यक्रम करवाती हूँ। ये मेरी अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि है, ये मेरा इसमें करवाने का भी सच बताऊं तो मेरा कोई सहयोग नहीं है। मैं इसकी ना आयोजक हूँ, ना इसकी मैं इसको मैं कुछ भी नहीं। आयोजक भी और हैं इसके, इसको आयोजन करने वाले भी और हैं, और ये तुम पर मेरे प्रभु की विशेष अनुकंपा है। ये एक जन्म का नहीं, तुम्हारा पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य कृत यहाँ पर एकत्रित हुआ है, जो तुम यहाँ पर खींचे हुए चले आते हो। इसमें मेरा कोई भी बड़प्पन नहीं, और इस कार्यक्रम को करवाने में मेरा एक ही उद्देश्य है, मात्र और मात्र आप संतों के आशीर्वचनों को सुने और अपने जीवन को सुधारें और आचार विचार आहार व्यवहार को शुद्ध करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो जीवन का ध्येय है, जो जीवन का गोल है, जो जीवन का लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। इसी में हम सबका कल्याण है, और तुम सबके कल्याण के लिए बटौत के अंदर हर साल ये आयोजन किया जाता है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं प्रयास करूंगी, ड्यूटी दे रही हूं। मैंने कहा मैं आयोजक नहीं हूं, मैं मात्र ड्यूटी दे रही हूं, और मैं जितनी भी हो सकेगी इस ड्यूटी को निभाने का प्रयास करूंगी, वो भी प्रभु करवाएंगे तो मैं नहीं कर सकती। सो बहुत बहुत साधुवाद आई हुई सारी संगत को। अगर आपको इस बार अच्छा लगा हो तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल भी आप यहाँ पर ऐसे ही पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आनंद जी ने बहुत सबका तकरीबन साधुवाद धन्यवाद किया, लेकिन मैं भी अपने मुंह से थोड़ा उन बच्चों का नाम जरूर लेना चाहूंगी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, क्योंकि एक एक चीज यहाँ से बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ कार्यक्रम करवाना कोई इतना आसान नहीं है, पर बच्चे मेहनत करते हैं तो मेहनत कोई भी करे तो उसको सफलता मिलती, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक पथ के लिए हो, कोई भी मेहनत करता है तो सफलता मिलती जरूर है। मैं हमारे कालिका टेंट हाउस वाले, जिनका बहुत सा सहयोग हमारे इस कार्यक्रम के लिए रहा, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी उस परिवार को। रामा टेंट हाउस अपने दरवाजे खोल देते हैं ये लोग,
महाराज जी जो चीज चाहिए आप यहाँ से उठा लीजिएगा, दिल खोल करके ये हमारे यहाँ कार्यक्रम में सेवा करते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं हमारे इस नगर के हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं कि चलेंगे, चलो हमारे चेयरमैन साहब। मैं 18 तारीख को यहाँ पर आई थी और 18 से लेके आज तक निरंतर वो हमारे साथ चल रहे, बहुत बहुत उनका सहयोग रहा। कोई भी काम करवाना है अपने कॉरपोरेशन से तो वो कभी भी पीछे नहीं हुए, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी। बटोत की मेरी बहुत सारी बहनें जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग देती हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ जो मेरे साथ निरंतर जुड़ी हुई हैं और बहुत दिन रात वो सेवा कर रही हैं, उन बच्चियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और उन बच्चों को वो यंगस्टर बच्चे वॉलंटियर बन करके यहाँ पर आए हैं, चढ़वाल से कम 50 बच्चे आए हैं लंगर वितरण की सेवा कर रहे हैं। रत्ताखेड़ा से कम 20 बच्चों की टीम आई है जो बर्तन साफ कर रही है। मौड़ मंडी से कम 10 लोगों की टीम आई है जो जूतों की सफाई कर रही है। और हमारे सरदूलगढ़ से रमेश जी और उनके साथी रोड़ी से आए हैं, वो यहाँ पर सारा सफाई अभियान देख रहे हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इनका उत्साह ऐसे ही बनाए रखना, इनका भाव ऐसे ही बनाए रखना, ये सेवा करते करते ही एक दिन परमात्म तत्व तक भी पहुँचेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन का कल्याण और उद्धार भी करेंगे। प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा, मैं प्रशासन का बहुत 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 साधुवाद करती हूँ। दिन रात वो यहाँ पर खड़े होकर के इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए, जैसे रात को यहाँ पर बहुत भारी कट था और इन मेरे भाइयों ने खड़े होकर के बहुत बहुत अपनी पूरी ड्यूटी को यहाँ पर दिया, मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ इनको शक्ति देना और अपने समाज की अपने इस धरा की इसी प्रकार सेवा करते रहें। बिजली वाले पानी वाले इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया और स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल पिछले कम से कम 25 सालों से हम इस स्कूल में ये कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। दो दिन के लिए स्कूल बंद भी करना पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं, जो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है वो उस पढ़ाई से कई गुना आगे है। बच्चे यहाँ पर बैठने पर खराब नहीं होते लेकिन याद रखना बच्चे, ये मेरी भारतीय सभ्यता है, ये कोई पाश्चात्य सभ्यता नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता में बाजार मिलेगा और मेरी भारतीय सभ्यता में तुमको संस्कार मिलेगा और संस्कार से सुसज्जित होकर के मेरी युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी तो जिधर जिधर बढ़ेगी अपने अच्छे कर्मों की खुशबू को फैलाती हुई मेरी भारत की धरा को सुगंधित करती हुई आगे बढ़ेगी। सो मैं स्कूल अंकुर कॉन्वेंट स्कूल और हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल SDS स्कूल एम और सनातन धर्म सभा और एक कौन सा है अंकुर कॉन्वेंट एक और है किड्स एवेन्यू स्कूल, ये चार स्कूल हमारे पास होते हैं जहाँ पर हमारी संगत ठहरी होती है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी और जिन घरों में संगत ठहरी, बहुत सारे घर जहाँ 50-50 100-100 लोग भी ठहरे, मैं उन परिवारों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और संगरूर से पधारे हुए हमारे सुखदेव जी जो जहाँ पर पिछले 2-3 सालों से उनका भाव रहता है महाराज जी,
पूरी भी बनती है, फुलका भी बनता है, कुछ और भी संगत को प्रसाद दिया जाए तो वो भी यहाँ पर बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और देती हूँ। और अलीगढ़ से हमारे छर्रा अलीगढ़ से आए हुए यूपी से एक टीम पूरी, जिन्होंने कल बहुत सारे शोभा यात्रा के बाद यहाँ पर स्टाल लगाए, सबको भक्तों को अनेक व्यंजन जो है उन्होंने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए, तो मैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी हमारे पानीपत से, हमारी रजेश जी, संदीप जी, उनकी पूरी टीम। पिछले 5 दिन से राजेश जी मेरे सामने आइए थोड़ा सा, पिछले 5 दिन से यहाँ पर दिन रात लंगर चल रहा है, कोई भी आए यहाँ किसी को कोई मनाही नहीं है। और आप जानते हैं महाराज जी, पिछले कई सालों से इस लंगर का जितना खर्चा होता है, जितने भी लाख खर्चा होता है, वो सारे का सारा हमारे पानीपत से हमारे सतगुरु सेवा ट्रस्ट के लोग ही ये सारा खर्चा उठाते हैं। हमारे बीच में जैसे कि आपको बार बार सुनाया जा रहा है कि होशियारपुर में एक बहुत ही जल्दी स्थान तैयार हो रहा है जिसमें सोशल बहुत सारे काम होने वाले हैं और उसमें विशेष सहयोग जो दे रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब होशियारपुर से, बंगाली स्वीट्स वाले, इनका बड़ा सहयोग, हमारे गुप्ता जी, इनका बड़ा सहयोग और बहुत बहुत साधुवाद इन सबको। कठुआ से हमारी टीम आई है, वो अलग ही यहाँ पर उनका वो सुंदर ड्रेस, संतों को लेकर के आना, संतों को छोड़ना, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है तो उसको भी सारी व्यवस्था को देखना, बड़ी सुंदर ड्यूटी निभाते हैं ये हमेशा ही और ऐसे ही निभाते रहें। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको भी। और जैसे कि आपको पता है सत्संग के तुरंत 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक और कार्यक्रम होता है जिसमें गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब तो नहीं कहूंगी, जो एहसाए लोग होते हैं उनके लिए राशन वितरण, वस्त्र वितरण, इसका कार्यक्रम भी एक छोटा सा आश्रम में होता है। तो वो कार्यक्रम अभी यहाँ से थोड़ा सा हम फ्री हो जाए तो 2-3 दिन बाद फिर कम से कम 400 घरों के लिए वो व्यवस्था हमारे पास आई होती है और वो सामान बांटा जाता है जिसमें विशेष सहयोग रहता है हमारे अमृतसर से कृष्ण महाजन जी, पाटना से ब्रिजलाल जी और अहमदगढ़ से हमारे हैप्पी जी, पंचकुला से अशोक जी और अजनाला से यहाँ पर जो सब्जी की सारी सेवा की जाती है। सच तो ये है कि यहाँ एक कोई भी ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा, सब ही यहाँ पर जथा योग्य सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप इस सेवा प्रकल्प के साथ, इस सत्संग के साथ जुड़े रहोगे तो जीवन जो है वो एक सुंदर जीवन, जिसको हम मनुष्यता का जीवन जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आनंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरे साथ जैसे एक भाई कंधे के साथ कंधा मिला करके चलता है तो संत लोग कहते हैं महाराज जी ये आपके हनुमान हैं। सच में ये मेरे साथ कदम से कदम, कंधे के साथ कंधा मिला करके चलते हैं, तभी तो कटरा जैसी उस पहाड़ी के ऊपर इतने बड़े आश्रम का इन्होंने आप सबके सहयोग से निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, होशियारपुर हो रहा है, अब यहाँ भी हुआ है। तो मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए महाराज श्री जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, संत महापुरुषों के चरणारविंद में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, आप सबकी इस सेवा की भव्यता को प्रणाम करते हुए, आपके प्यार को प्रणाम करते हुए, आपके भाव को प्रणाम करते हुए,
आज आप सब लोग अब थोड़ी ही देर में लंगर वितरण होगा, प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। बस जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अगर यहाँ से कुछ तुम्हें अच्छा लगा है तो उसे घर लेकर के जरूर जाइएगा, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हारे काम जरूर आएगा। अभी अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जितनी भी संगत यहाँ पर आई है उन सबको आशीर्वाद दिया है। एक महान शख्सियत यहाँ पर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर रामबन जनाब शौकत एजाज अहमद भट्ट साहब, डिप्टी कमिश्नर जनाब शौकत एजाज अहमद भट्ट साहब वो हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप महाराज जी के पास आइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए।